तो बच्चों अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम पीरियड कैलकुलेट करना चाहते हैं हम लोग सिंपल पेंडुलम का सॉरी पेंडुलम नहीं है ना। अब ये अगर हम नहीं बताते ना तो तुम लोगों को पता ही नहीं चलता है ना। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो, सिलेबस में दिया है तो बता देते हैं। और थोड़ा लगे भी कि टीचर कुछ पढ़ाया है, क्यों ममता, नहीं तो ये तो खुद ही पढ़ लोगे, बहुत इजी है। देखो मैं कैसे फॉर्मूला बनाऊंगा, देखो ये है बॉब, इसको कहते हैं बॉब, क्या कहते हैं, बीओबी बॉब, ये है बॉब ऐसे, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है यहाँ पर, तो अभी कौन कौन सा इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा दोस्त, जल्दी बताओ। ये भगवान कोई बताता ही नहीं है यार, जब इसका मास एम है तो। मृणाली तुम बताओ, क्या एम जी नीचे लग रहा होगा, जी यस yes। हाँ क्या टेंशन ऊपर लग रहा होगा। लगेगा यस अब अगर ये, मैं बोल रहा हूं, अब अगर ये एक मोशन कर रहा है ऐसे 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 ऐसे, अगर ये ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है, तो इसका मतलब ये सर्कुलर पाथ जैसा, हाइपोथेटिकल सर्कुलर पाथ देख लो, तुम बोलोगे हाँ हाइपोथेटिकल सर्कुलर पाथ देखे है ना, तो उसकी वजह से यस एक आउट एक्सटर्नल फोर्स भी लगेगा, जिसको कहते हैं यार से हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एमवी स्क्वायर बाई आर, याद आ रहा है, तुम बोलोगे हाँ वो तो होता है, वो भी लग रहा होगा योगेश दादा, तुम बोलोगे हाँ एमवी स्क्वायर बाई आर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टेबल कंडीशन है, यहां पर जब पहुंचा है तब, इंस्टेंट का हम बात कर रहे हैं, और उसी वक्त इसका वेलोसिटी कुछ इधर होगा, कुछ वी वेलोसिटी, हाँ ठीक है बहुत अच्छी बात, यहां तक कोई दिक्कत है। इसको हम लोग लेंथ को हम दिखा देते हैं कैपिटल स्मॉल एल से, तुम बोलोगे ठीक है कोई दिक्कत। अब हमारा रूल क्या कहता है, तुम बोलोगे रूल हमारा कहता है कि हम इक्विलिब्रियम से इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके देखेंगे, करें थोड़ा सा डिस्प्लेस करें, आओ थोड़ा सा हाँ करते हैं सर डिस्प्लेस, ये बॉब है ठीक है, तुम बोलोगे ओके। इसका लेंथ कितना होगा, लेंथ अभी भी एल ही होगा ना, रस्सी का लेंथ थोड़ी चेंज हो रही, ठीक है। ये कितना एंगल है मृणाली, थीटा, हम लोग तो हमेशा थीटा ही लेते हैं, ठीक है। अब जब ये यहां पे पहुंचा, जब ये यहां पे पहुंचा, तो मुझे बताओ कि ये कितना फोर्स, इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लगने वाले हैं, क्योंकि तुम्हें यह पता होगा कि हम लोग क्या करते हैं, फोर्स को बैलेंस करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, फोर्स को बैलेंस करते हैं, तो कर ले बैलेंसिंग कर ले, तुम बोलोगे हाँ आइए सर करते हैं बैलेंस। आओ देखो सबसे पहली बात, एम जी अभी भी नीचे लगेगा, तुम बोलोगे जी बिल्कुल एम जी तो अभी भी नीचे लगेगा, करेक्ट है योगेश दादा, तुम बोलोगे हाँ, लेकिन इसका एक कॉम्पोनेंट, इधर इधर आओ, इधर चल चल भाई इधर चल, एम जी का एक कॉम्पोनेंट एंगल यहाँ भी क्या होगा, थीटा, कितने लोगों को पता है ये बात, तो एम जी का एक कॉम्पोनेंट इधर कौन लगेगा, एम जी कॉस थीटा, तो इधर कौन सा लगेगा, एम जी साइन थीटा, साइन क्या यही एम जी साइन थीटा इसके मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तुम बोलोगे लग तो वही रहा, लग तो ऐसा ही कुछ लग रहा, ये हो गया एम जी साइन थीटा, ठीक है। और कोई फोर्स लग रहा है, तुम बोलोगे हाँ और तो फोर्स लग रहा है, कौन सा लग रहा है, एक लग रहा है ना टेंशन, एक लग रहा है ठीक है, ये लग रहा है टेंशन, कोई दिक्कत, तुम बोलोगे नहीं इसमें कोई दिक्कत। अब टेंशन का भी कंपोनेंट यहाँ पे निकाल सकते हो, फिर क्या आ जाएगा, टी कॉस थीटा है ना, ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, पता ही है ना, तो ये क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा, पता ही होगा तुम लोगों को ये सब, खैर ये तो तुम जानते ही हो, तुम लोग खुद ही इतना महान इंसान हो। और इधर क्या लग जाएगा, टी साइन थीटा है ना, अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा, तो इतना गंदा हम साइन बनाना नहीं चाहते, तो ठीक है। बहुत अब मुझे बताना, एक्सट्रीम पे जब ये है, जब ये एक्सट्रीम पे है, तो क्या उस एक्सट्रीम पे होने की वजह से यहाँ पे किसी तरह का टॉर्क जनरेट होगा, तुम बोलोगे सर टॉर्क के जनरेट कर लिए, करने के लिए हमने रूल पढ़ा था, क्या रूल पढ़ा था भैया, पेचकस से खोलते हो ना कोई चीज है ना, पेचकस से स्क्रू से, तो अगर यहाँ घुमाना है तो ये डिस्टेंस आर होना चाहिए और फोर्स परपेंडिकुलर लगना चाहिए, याद आ रहा है, हाँ
तो टॉर्क, टॉर्क यहाँ लगेगा? तो बोलोगे हाँ टॉर्क तो यहाँ लग रहा है, टॉर्क तो यहाँ लगेगा, बिल्कुल लगेगा। कैसे लगेगा आओ दिखाते हैं। ये टेंशन को देखो, ये टेंशन को तुम बोलोगे हाँ ये टेंशन है, ये डिस्टेंस एल है और ये फोर्स है, तो इस एक्सिस के अराउंड घुमा रहा है कि नहीं? इस एक्सिस के अराउंड देखो, ये है आर, ये है एफ। भैया टॉर्क हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बताओ। हो गया सर। बिल्कुल हो गया, मैंने टॉर्क बहुत अच्छे से फील करवाया था, तो मुझे मत बोलना कि नहीं आपने नहीं फील करवाया, अदरवाइज आई विल ब्रेक योर लेग्स। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, क्या मैं टॉर्क एक्सट्रीम पे मैं लिख रहा हूं, एट एक्सट्रीम, क्या मैं टाउ बराबर ये लिख सकता हूं क्या मृणाली, आई अल्फा? तुम बोलोगे हाँ लिख सकते हैं, ये तो रूल है, सकते ये तो सदियों सदियों से रूल चला रहा है। ठीक है, अगर हम आई अल्फा लिख सकते हैं, सुनते जाइएगा, अगर हम आई अल्फा लिख सकते हैं तो मैं टाउ को क्या लिखूं? तुम बोलोगे एल, ये रेडियस एल अगर है तो ये फोर्स एम जी साइन थीटा, तो मैं इसको एल इंटू एम जी साइन थीटा लिख सकता हूँ। बोलोगे हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा किसी गेंद को अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और इसके चारों तरफ ऐसे 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 घुमाए, तो तुम बोलोगे एम आर स्क्वायर होगा। क्या होगा? एम आर स्क्वायर। तो एम आर की, आर की जगह क्या डालेंगे? एम एल स्क्वायर डालेंगे कि नहीं डालेंगे? कितने लोगों को समझ आया? रोटेशनल मोशन पढ़ लेना जाके फिर से, इनटू हाँ एल, सर, मैंने ये डाल दिया, कोई दिक्कत? नहीं बोलोगे नहीं कोई कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। तो एक एल से एक एल मारा जाएगा, एक एम से एक एम मारा जाएगा, अल्फा बराबर यहाँ पे सर। क्या आ गया? अल्फा बराबर आ जाएगा एम जी साइन थीटा बाई एल, एम से एम सॉरी कट चुका है ना, जी साइन थीटा बाई एल। कोई दिक्कत? बोलो नहीं कोई दिक्कत, कोई इसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं। ओके, अब एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, ठीक है, कुछ इसको ऐसे करते हैं चेंज कि ये आ जाए एक्सेलरेशन के फॉर्मेट में। तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल, तो एक्सेलरेशन अल्फा बराबर क्या होता है? तुम बोलोगे सर अल्फा बराबर होता है ए बाई आर, ए बाई आर। ठीक है, तो मैं अल्फा बराबर लिख सकता हूँ ए बाई एल। तुम बोलोगे हाँ लिख ए बाई एल, ए बाई एल कैसे लिख सकते हैं? ए बाई एल नहीं लिख सकते, ए बाई आर। चलो अल्फा को अल्फा ही रहने दो, अभी एंगुलर एक्सेलरेशन है ना, अल्फा ही रहने दो, चलो इसी से बनाते हैं। आओ कैसे देखो, देखो कितना प्यारा बनाते हैं, और अल्फा तुमको समझ में भी आएगा, अल्फा वाला समझ में भी आएगा। अल्फा एक को मैं ऐसे लिख सकता हूँ जी बाई एल इंटू साइन थीटा, बिल्कुल सकते हो। लिख सकते हैं। अब इसको एक्सेलरेशन से अगर देखते हो तो ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तुम बोलोगे एक मिनट, यहाँ पे एक्स की जगह साइन थीटा क्यों आया, यहाँ पे साइन थीटा क्यों आया, जबकि इससे पहले एक बार भी नहीं आया था? इसलिए नहीं आया था क्योंकि यहाँ पे ये एंगल चेंज कर रहा है, यहाँ पे ये एंगल चेंज कर रहा है, यहाँ पे तुमको एंगुलर एक्सेलरेशन भी, एंगुलर वेलोसिटी भी, सब कुछ देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर एक देखो हाइपोथेटिकल कंडीशन ले लो, तो तुमको पता चलेगा ये एक इस सर्कल में घूम रहा है, नहीं घूमता हुआ दिख रहा, बताओ तो आएगा ही एंगल, तो आएगा ही, बिल्कुल आएगा। बोलो मैं गलत बोल रहा हूँ? बोलोगे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे? हम यहाँ से लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी बाई एल। एक मिनट, हम यहाँ से लिखेंगे ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू जी बाई एल, तो टू पाई बाई टी बराबर अंडर रूट जी बाई एल, और टी बराबर क्या हो जाएगा सिंपल पेंडुलम के केस में, एल बाई जी। इसमें एल क्या है? एल क्या है? लेंथ ऑफ पेंडुलम है ना, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अच्छा ये लेंथ कहाँ से लेते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंथ लेते हैं सेंटर ऑफ मास से, है ना, इसको लिखना है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे
पुली सॉरी जैसे स्प्रिंग के केस में क्या था फॉर्मूला, टी इक्वल्स टू 2 पाई m/k था ना, अरे था ना, और हर जगह वही चल रहा था, तो ऐसे ही हर जगह वही काम करेगा। लेकिन यहाँ पे ग्रेविटी आ रहा है नीचे, देख रहे हो तुम, बोलोगे हाँ ग्रेविटी आ रहा है, तुम्हारे मन में एक सवाल आना चाहिए, सर कॉन्स्टेंट फोर्स तो कभी भी एक्सेलरेशन कभी भी SHM नहीं करवाता, आपने बोला था काफी जोश जोश में बोला था, उसका औकात नहीं है कि करवा देगा, तो फिर यहाँ पे क्या, ये क्या मामला क्या चल रहा है, बोलो तुम्हें लोग बताओ जरा, ये तो गलत आ गया ना, क्यों ममता ये गलत है ना, तुम बोलोगे गलत तो नहीं है, जब आपने बक्सा बक्सा में डाल के याद करके इतने अच्छे से लिखा है तो गलत तो नहीं है होगा, लेकिन कुछ समझ भी नहीं पा रहे हैं चल क्या रहा है। मुझे एक बात बताओ, फिर से मैं पूछ रहा हूं, ममता मृणाली सारे बच्चे, क्या एक कांस्टेंट फोर्स SHM करवा सकता है, हाँ या ना, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो यस और नो, सीधा बताओ। नो नो, चलो ठीक है, क्या यहाँ पे SHM हो रहा है, जवाब है यस, हमने अभी वही मान के किया सवाल, तो जब SHM हो रहा है तो भैया ये कांस्टेंट फोर्स कैसे करवा सकता है, ग्रेविटी, यहाँ ग्रेविटी करवा रहा है ना कांस्टेंट, मतलब SHM, हाँ गलत, यही गलत है, यहाँ SHM ग्रेविटी नहीं, उसका एक कंपोनेंट mg sin θ करवा रहा है, देखो यस यहाँ, और ये mg sin θ डिपेंड करता है किस पे, यहाँ एंगल पे, देखो एंगल जैसे ही कम, यहाँ पे sin 0 0 यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स 0, पूरा 0, और हम जानते हैं SHM में मीन के ऊपर कितना फोर्स लगता है, 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा, मैक्सिमम कहाँ पे होगा, एक्सट्रीम पे, तो यहाँ SHM के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, mg sin θ, ये एक कांस्टेंट फोर्स नहीं है, mg sin θ इज नॉट अ कांस्टेंट फोर्स, हाँ mg हो सकता है तुम्हारा, mg हो सकता है कांस्टेंट फोर्स, बट mg sin θ नहीं है कांस्टेंट, समझ में आया ममता, हाँ सर, पता नहीं तुमको क्या समझ आया बट मुझे अच्छा लगा, चलो अब लिफ्ट विफ्ट में लेके चलते हैं, तुम बोलोगे सर ये बहुत इजी है, आप क्या करोगे, जी के नीचे जी इफेक्टिव लगा दोगे फॉर्मूला में, है ना, है ना, है ना, बताओ, यस हाँ बिल्कुल यही लगाएंगे, बिल्कुल यही लगाएंगे जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़े थे, जो भूल चुके होंगे उनके लिए, अच्छा चलो पहले फोटो बना लें, काफी बड़ा हो गया ना बॉब, काफी गंदा बनाया है, लेकिन इसको ले लो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है लिफ्ट, एक केस जिसमें लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तुम बोलोगे ठीक, ये केस जिसमें लिफ्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा है, और ये फ्री फॉल का कंडीशन है, ये क्या है फ्री फॉल। अब जो भूल चुके हैं उनको मैं बता दूं, जब भी इस तरह का सवाल आए तो तुम लिफ्ट पे बैक्टीरिया बन के बैठ जाओ, याद आ रहा है, तो अगर तुम यहाँ पे लिफ्ट में बैक्टीरिया बन के बैठोगे तो तुमको ये जो ऊपर की तरफ एरो दिख रहा है ना, ये एरो तुमको अब किसकी तरफ दिखेगा, ये एरो अब तुमको किसकी तरफ दिखेगा, नीचे की तरफ दिखेगा, है ना, नीचे क्योंकि हाँ ये तुम अब उल्टा कर दोगे, मैंने बोला था स्यूडो फोर्स कंसेप्ट, तुम इसको उल्टा करके इसके ऊपर लगाओगे तो ये नीचे, एक्सेलरेशन नीचे, और ग्रेविटी भी हमेशा नीचे ही काम करता है, तो a+g हो जाएगा दोनों का एक डायरेक्शन, ये नीचे आ रहा है तो इसको ऊपर करके देखोगे तुम इसमें बैठ के, और g नीचे तो g-a हो जाएगा, याद आ रहा है, तुम बोलोगे हाँ याद आ रहा, हाँ हाँ सर बताएं बाकी बच्चों को तो नहीं आ रहा ना, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताओ जल्दी जल्दी, यहाँ जी इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा यहाँ लिख लेना लिफ्ट, हाँ टाइम पीरियड बताओ तो मृणाली, यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट अच्छा l/ ये g+a हो जाएगा,
कितने लोगों को लगता है मूविंग वाले ऊपर वाले मूव करते हैं केस में? इसमें क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी माइनस है, कितने लोगों को लगता है? इसका बताओ, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इसका बताओ टाइम पीरियड सेकेंड वाले जैसे ही होगा बताइए क्या होगा। फ्री फॉल लिखा है, हमको कुछ समझ नहीं आया इसीलिए ना पूछे हैं, अगर पता ही रहता तो पूछते क्या। ना, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी माइनस है। वाह वाह, जी माइनस जी होगा, फ्री फॉल का मतलब जी माइनस जी, फ्री फॉल का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर ही जी हो गया, तो जी माइनस जी जीरो हो गया, और किसी भी अंक को अगर जीरो से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, तो टाइम पीरियड यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ बॉब अगर यहाँ पे है तो वहीं पे रुक जाएगा, यहाँ है तो यहीं रुक जाएगा, जहां है वहीं रह जाएगा। बोलो समझ आया, आ गया बहुत सर। अच्छी, बहुत अच्छी बात। अब चलो इसको ट्रक में लटका दे, पेंडुलम को, बोलो ममता अब ट्रक में भी लटकाते हैं, क्योंकि बिना ट्रक के फिर मजा नहीं आएगा ना। तुम लोग मत करना ये वाला काम, मैं इसको ट्रक बना दिया हूं, देख रहे हो, तुम लोग मत बना, काफी गंदा बनाया लेकिन ये बस है, ये मूव कर रहा है। मैं एक सवाल पूछूंगा पहले, ठीक है, ये बॉब है, अभी ड्रॉ मत करना, जब मैं बोलूंगा तब ड्रॉ करना, ये लेंथ एल है, तुम बोलोगे ठीक है, ये मूव कर रहा है एक कांस्टेंट वेलोसिटी, क्या इसका टाइम पीरियड चेंज होना चाहिए, हाँ या ना? बताओ बताओ बोलो, अरे बताओ भैया एक बात बताओ, अगर ये रेस्ट पे है तो क्या इसके टाइम पीरियड में कोई चेंज आएगा, पहले ये बोलो, गाड़ी नहीं नहीं चल रहा है आएगा। रेस्ट पे है, और अगर मैं बोल रहा हूँ ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो, अरे तब भी इक्विलिब्रियम होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन जीरो, याद आया, इक्विलिब्रियम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा है, पता नहीं है। हाँ सर, तो कोई चेंज नहीं होगा, हाँ बॉडी एक्सेलरेटेड होगा तब, मैं अगर मान लूं कि ये बॉडी यहाँ ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो तुम इस पे बैठ जाओ चिपक कर, तुम बोलोगे हाँ, तो फोर्स इस पे पीछे लगा दो तो तुमको पेंडुलम अब इधर दिखेगा, देखो अगर मैं सही बना रहा हूं तो, ये करेक्ट, ये थोड़ा सा इधर चला जाएगा, कितने लोगों को लगता है, हाँ ये थोड़ा सा इधर जाएगा, कितने लोगों को ये बात लगता है, हाँ ठीक है चला जाएगा, तो ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है या एक्सट्रीम पोजीशन है, सोच के बताओ पहले, ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, क्या है ये, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, अरे है कि नहीं है, बोलो हाँ होगा ही, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, हाँ जब गाड़ी मूव करता रहेगा ना इधर तो बॉब इधर की तरफ ही स्टैटिक रहेगा, चाहो तो कर लेना कभी गाड़ी वाड़ी चला के, ये एंगल थीटा है यहां से, ये क्या है एंगल थीटा, इसमें टेंशन लग रहा है टी, तुम बोलोगे हाँ टेंशन तो टी लग रहा है, नीचे कौन सा फोर्स लगेगा, तुम बोलोगे नीचे कौन सा फोर्स लगेगा, नहीं पता, चलो इधर कौन सा फोर्स लगेगा ये तो पता है ना एमजी, ये पता है कि नहीं पता है, इधर कौन सा फोर्स यस लगेगा ये पता है कि नहीं पता है, इसकी वजह से स्यूडो फोर्स लगेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, याद आ रहा, मास बॉब का एक्सेलरेशन गाड़ी का, मास बॉब का एक्सेलरेशन गाड़ी का, ठीक है तुम बोलोगे हाँ, तो इधर इन दोनों को जोड़ के हम नहीं निकाल सकते क्या, तुम बोलोगे अरे हाँ निकाल सकते हैं, वेक्टर एडिशन, तो एम कॉमन ले लेते हैं, अंडर रूट क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये आ जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, टेंशन के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर, टेंशन के बराबर, फिर टेंशन को हम क्या लिखेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन है ना, और फिर किसके बराबर कर देंगे, इसको कर देंगे एम इंटू ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अंडर रूट, है ना,
करेंगे कि नहीं करेंगे? यस फिर यहां से ये आके एम से एम मल्टीप्लाई हो जाएगा, तुम बोलोगे हाँ ये कट जाएगा पूरा, है ना, तो जाएगा। बचेगा क्या, फिर वही कहानी बच जाएगा। क्या कहानी बचेगा कि यहाँ पे सर जी का वैल्यू बताओ, इफेक्टिव जी तुम खुद देख लिए, ए बराबर क्या आ गया था, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो भी अंडर रूट, है ना, मास मास कट गया था, तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या आ जाता है यहाँ पे, क्या आ गया इफेक्टिव एक्सेलरेशन, ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, क्या आया ए स्क्वायर प्लस, चलो इसको भी याद करने का तरीका बता दे, 2 पाई, एल तो ऊपर रहेगा ना, मुझे ये बताओ जी से तो ये नीचे हाँ खींचा ही जा रहा था, बस इस गाड़ी को आगे की तरफ एक्सेलरेट कर दिया गया है ए, हाँ या ना, तो इफेक्टिव यस एक्सेलरेशन तुम क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, खत्म, बोलो। अच्छा हाँ अंडर रूट में डाल के करेंगे ना, नहीं डालेंगे डालो क्यों नहीं डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे, ठीक वही। है, बस यही याद रखना। कैसा था, इजी? हाँ अरे इतना इजी? बनाने हाँ बिल्कुल बनाना है, याद भी रखना कि जब बॉडी एक्सेलरेटेड होगा तो ये करना है, हमेशा क्या चेंज करते हैं हम लोग जी, अभी एक और सर्कुलर पाथ पे गाड़ी चलाएंगे और वहां भी बॉब को फील करवाएंगे, लेकिन वो थोड़ा 3D डायग्राम होगा, तो समझने की कोशिश करना, करोगे कोशिश, वो थोड़ा 3D होगा, फिर सर पेंडुलम को पानी में भी डालेंगे, लिख लिए दोस्तों। ममता हैव यू रुको रिटन? देखो अगर नहीं समझ में आया होगा ना तो ये याद रखना कि अब जो सवाल दिया जाएगा ये सब करवाने के बाद वो आपसे होगा ही नहीं, अगर समझ नहीं आया तो। माधुरी माँ आ गई, चलो अब चलो गाड़ी चलाते हैं, उसमें डालते हैं इसको, हाँ सर आइए जरा फील करने की कोशिश करना जो मैं फील करवाऊंगा, ये 3D होगा, जो जरा फील कर, ये एक सर्कुलर पाथ है, इस पे जब गाड़ी चलेगा, जब इस पे कोई गाड़ी चलेगा, मान लो कोई बस वस चलेगा और उसमें ये पेंडुलम लटका है, तो ये पेंडुलम किधर की तरफ जाएगा जरा बताना, तो पीछे आगे दाएं बाएं, तुम बोलोगे सर बाहर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ, कितने लोगों को लगता है हाँ भाई बाहर की तरफ जाएगा, बोलो जरा फील करो भाई, गाड़ी में तुम खुद बैठ के देखो ना, गाड़ी जहां पे टर्न होता है तुम खुद बाहर की तरफ जाते हुए नहीं फील करते हो क्या, पता नहीं कुछ हाँ बोलने सर का, तो वो मैं बोल रहा हूँ, तो तुमको फील होगा कि भैया तुम बाहर की तरफ जा रहे हो, ठीक है, और इसका रेडियस मान लो सड़क का रेडियस है आर, तो उस केस में जो टाइम पीरियड निकल के आता है, चलो मैं बॉब का एक फोटो बना के दिखा दूं, ये गाड़ी है, ये पेंडुलम ऐसे बाहर की तरफ आ जाएगा, ये लाइन है ना, ये पेंडुलम बाहर की तरफ आ रहा है, ये बाहर, जरा फील करने की कोशिश करो तुम लोग, पता नहीं कर भी पा रहे हो कि नहीं, तो मैं बोल रहा हूं कि कौन इसको बैलेंस कर रहा, बाहर कौन लेके आ रहा है, एम वी स्क्वायर बाई आर, ये फोर्स, और नीचे कौन लग रहा है, जी, कौन लग रहा है, जी, और ये टेंशन, और इनके बीच में टेंशन आएगा, तुम बोले हाँ ये टेंशन इसको बैलेंस करेगा, थोड़ा फील करो, 3D फिगर है, जरा फील करने की कोशिश करो, कर रहे हो क्या, कर रहे हो क्या, यस यस, तो यहां से योगेश दादा ये एम जी है, तो यहां से जो एक्सेलरेशन इफेक्टिव हमारा आएगा जो इसके बराबर हो जाएगा, mm तो कट जाएगा, तुम बोलोगे हाँ उसी की तरह आ जाएगा, जी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर बाई आर, याद करो ऊपर जैसे किए थे, क्या आ गया था यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, mm कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर अपॉन जी स्क्वायर, बोलो समझ आया क्या, थोड़ा सा सर थ्री हाँ डायमेंशन है इसीलिए थोड़ा बताने में, तो जी इफेक्टिव मैं या जी डैश मैं क्या लिख दूं, चलो मैं जी इफेक्टिव लिखता हूँ, इफेक्टिव जी क्या हो जाएगा योगेश, जी इफेक्टिव हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर,
आर किसका, रोड का रेडियस, प्लस जी धरती माता का ग्रेविटेशन। तो टाइम पीरियड बताओ। अच्छा जी स्क्वायर होगा ना, यहाँ तो जी स्क्वायर होगा, वहां पे जी स्क्वायर किया था ना, तो यहाँ पे जी स्क्वायर। और इसको भी फिर स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि वो भी तो स्क्वायर किए थे, इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा। और वहां भी अंडर रूट किए थे तो यहाँ भी अंडर रूट करना पड़ेगा, यार सब गड़बड़ हो रहा है ना। वहां अंडर रूट किए थे ना, हाँ सर, तो यहां भी करो फिर, ये थोड़ी स्पेशल है, यहां भी करो अंडर रूट। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं सेम टू सेम उसी की तरह वी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ जाएगा। तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि ऐसा मतलब जरूरी है कि इसके ऊपर सवाल पूछे, तो नहीं ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन पूछ ले तो ठीक है। क्या हाँ इसके ऊपर आज तक कभी सवाल नहीं पूछा गया, अब पूछ ले तो क्या दिक्कत है। याद रखना वी स्क्वायर बाय आर है, फोटो बना लेना झट से, फोटो बना लेना, वहां पे हाँ एक्सेलरेशन था, यहाँ एक एक्सेलरेशन की जगह वी स्क्वायर बाय आर है, और क्या है, वहां पे एक्सेलरेशन था ना सीधा ए, और यहाँ पे एम वी स्क्वायर बाय आर, तो मैं इसको सीधा फोर्स को, ये ए नहीं कह सकता वी स्क्वायर बाय आर को, तुम बोलोगे हाँ एम इंटू ए तो फोर्स ही होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो वही है। और क्या, फिजिक्स में सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, डरो मत। अब चलो इसको पानी में डुबो के देखें, बताओ ममता पेंडुलम को पानी में डुबो दे। हाँ सर मैं सारा कुछ करवाऊंगा, जितना केस पॉसिबल है ना सब मैं करवा दूंगा, ताकि तुम सवाल जब सॉल्व करने बैठो तो तुम बोलोगे अरे यार बंदे ने क्या पढ़ाया था, मजा आ गया। ये क्या है ममता, पानी रसना है ये, ठीक है। इसके अंदर एक बॉब मैंने डुबा दिया ये। अब इसका टाइम पीरियड आपसे पूछा जा रहा है, बता दोगे, तुम बोलोगे बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है, इसका लेंथ एल है, मान लेते एल, ठीक है। मुझे ये बताओ अभी इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, तुम बोलोगे एक फोर्स सर बॉयंट फोर्स ऊपर लग रहा है, एफ बी बॉयंट फोर्स, और टेंशन भी, धागे का एक टेंशन भी तो अपना होता है कुछ, है ना, हाँ धागे का अपना कुछ टेंशन नाम का भी कोई चीज होता है, वो भी लग रहा है, और एम जी नीचे लग रहा है, बहुत अच्छी बात। अब मुझे बताना सोच के कि ये जब ऑसिलेशन करेगा, जब ये ऑसिलेशन करेगा कौन करवाएगा इसका ऑसिलेशन, तुम बोलोगे एम जी साइन थीटा करवाएगा, वही करवाता है, वही करवाएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे फॉर्मूला वही आएगा एल बाई जी, तो बोलोगे हाँ वही आएगा, लेकिन इसमें और भी कुछ चेंजेस आने वाले हैं, इसमें और भी कुछ चेंजेस आने वाले हैं, तुमको क्या लगता है एक्स्ट्रा क्या यहाँ पे आ गया। तुम बोलोगे सर एक्स्ट्रा तो मुझे दिख रहा है कि बॉयंट फोर्स आया है, बस बॉयंट फोर्स आया हाँ है ना, तो बॉयंट फोर्स का ही यस देख लेते हैं कहानी। बॉयंट फोर्स क्या होता है दोस्त, रो बी जी, उस रो बी जी, बोलो बोलो बोलो। सर इस बॉयंट फोर्स को हम मास इनटू बॉयंट फोर्स का एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू रो वी जी भी लिख सकते हैं, तुम बोलोगे हाँ लिख सकते हैं। तो इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन यानी इफेक्टिव, क्योंकि हमको तो कुल मिला के नीचे जी ही चेंज करना है, एक्सेलरेशन ही, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी यहाँ पे क्या आ जाएगा, तुम बोलोगे रो वी जी बाई एम, क्या हो जाएगा रो वी जी बाई एम, हम बोलेंगे हाँ, और बस हो गया। इसकी वजह से क्या आ रहा था टाइम पीरियड, अभी देखो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, बट ये ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर लग के क्या कर रहा है, इफेक्टिव जी को कम कर रहा है भाई। लिफ्ट में क्या केस था, लिफ्ट लिफ्ट में ऊपर ए ए लग रहा था, नीचे जी लग रहा था, तो हमने क्या किया था जी माइनस ए, लेकिन यहाँ पे ए की जगह इतना लग रहा है ऊपर और नीचे जी लग रहा है, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, सिंपल यही है ना, लिफ्ट वाला केस लग गया,
लिफ्ट जा सके, ऐसे ऊपर लगा रहा फोर्स इतना। बोलोगे हाँ ये तो इजी है, फिर क्यों योगेश, मृणाली, ममता, ये बहुत इजी है। अरे लिफ्ट भी तो ऊपर लगा रहा था, जब लिफ्ट नीचे मूव कर रहा था तो ऊपर था एक्सेलरेशन, वो हाँ ऐड कर दिए थे स्यूडो फोर्स की वजह से। और ये ऊपर फोर्स लगा रहा है तो हम सीधा कर देंगे माइनस, तो हम सिंपल फॉर्मूला जानेंगे फिर, 2 पाई, एकदम लिफ्ट वाला केस, कोई स्पेशल केस नहीं है, पूरा लिफ्ट वाला केस, एल अपॉन जी माइनस रो वी जी वाई एम, सिंपल रो वी जी वाई एम, कुछ है कुछ नहीं है भाई, इजी था, कर लो फॉर्मूला यार, इजी एकदम लिफ्ट वाला केस था। सवाल यस खेले, बताओ बच्चों, करें कुछ सवाल की बातें, बोलो बोलो, कर ले सवाल। ब्रेक दे दो सर। क्या? हाँ ओके सर ठीक है, ठीक ब्रेक। है, ब्रेक ले लो।